ये चेक करो, ये जो इनके कबूतरों की खुराक है इसमें, इसको थोड़ा सा बाहर निकालते हैं, इसमें अरे यार कहना प्राइवेट नुस्खा होने नहीं ना बनाम तकाली उन तक है मजाक नहीं अल्लाह का सामने अच्छा यार कहना प्राइवेट होने भैया अच्छा ठीक है, प्राइवेट है भाई, प्राइवेट प्राइवेट। ओ काट गई है, काट गई है। मैं ना तो तुझे पतंग है मुझे करे ही नहीं बोलता। अरे मैं मेरा दोस्त अरम अर अरम 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 था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस यार आज संडे है, तो आज अभी अभी उठा हूँ तो बाहर से आवाज़ें आ रही, तो मैंने कहा देखता हूँ, तो ज़रा आप चेक करो। ये संडे वाले दिन हमारे यहाँ पर मोहल्ले में रौनक लगी रहती है काफ़ी, कभी बच्चे यहाँ पर पतंग उड़ा रहे हैं, कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी फुटबॉल खेल रहे हैं, तो लगी रहती है इनकी। अभी ये यहाँ पर बाकी सारे पतंग उड़ा रहे थे, बट अभी आप ये कहा इसके काम चेक करो, ये बैट लेके आ गया, ये मोली बंदा है, ये देखें हाँ शुगर लगाते हैं ये दिलजान भाई, अपने अपन ये पतंग उड़ा रहे हैं। बाकी इनका वो गया हुआ है, वो गया हुआ है इनका इनका, और इनका उड़ नहीं रहा, फिर ये उड़ाएंगे तो फिर। अरम है मेरा दोस्त अरम अर अरम 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 था। ऐसा भी सीन ये हुआ कि बाकी सारे बच्चे तो यहाँ से चले गए हैं, बस कुछ ये शाम एक खड़ा है वो पतंग उड़ा रहा है, और यहाँ पर ये थोड़े बच्चे वो आरम खड़ा है, सुबह ये ऑन है। भाई मैं आपको बताता हूँ कि मसला ये हुआ है ना कि अभी ना मेरे चल रहे हैं एग्ज़ाम, मतलब एनुअल एग्ज़ाम तो नहीं, मगर जो एकेडमी वाले हैं ना वो ले रहे हैं एग्ज़ाम फुल बुक के, ताकि पता चल जाए कि कौन एग्ज़ाम में पास हो सकता है, कौन फेल हो सकता है। तो 9th क्लास है, तो फिर इस वजह से मैं ज़्यादातर व्लॉग नहीं कर पा रहा, मगर 12th ऑफ मई के बाद रेगुलर व्लॉग आएगा, ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा तो फिर रेगुलर आने वाला है। तो बाकी ये सारे बच्चे हैं, ये हमारे अच्छाम भाई हैं, हमारे मोहल्ले के नंबर वन पतंगबाज, ये इनका पतंग वो उड़ रहा है। बाकी यहाँ पर ये जो बकरियाँ हैं वो घास खा रही हैं कब्रिस्तान के अंदर, ये हमारे घर के सामने जो है, तो ये बकरियों का फ़ायदा हो रहा है, उनको उनकी भूख मिट रही है, और यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है कब्रिस्तान से गंद खत्म। गमले जो है ना उनके पौधे सारे सूख चुके हैं, और यहाँ पर एलोवेरा ये जो है हमारा ये दरख्त है, बस ये एक है, ये है फूल वाला, ये है शेयर, और ये बाकी वो सारे गमले जो है वो सूख गया। शायद अभी कोई 10 से 15 मिनट गुजरे हैं, और क्या यार ख़त्म हर चीज़, मतलब बस 5 मिनट का ही होता है इनका। तो जान भाई नानी के घर भाग गए, वो तो फिर शाम के वक्त हम भी उनके साथ चलेंगे, तो फिर वहाँ पे पतंग उड़ाएंगे एक साथ। बाकी यहाँ पे बिल्कुल खाली, बिल्कुल एकदम सारी जगह खाली बिल्कुल। तो गाइस फिर से यहाँ पर हमारे मोहल्ले की जो रौनक है 10 से 15 मिनट बाद फिर से हो चुकी है। चक्का अभी 12:30 का टाइम हो रहा है, ये दिलजान लड्डू है मेरे साथ, मेरा आज भाई मैंने है। सुबह सुबह ना 4 पतंग पकड़े हैं। कितने पतंग पकड़े हैं? 4 पतंग। हाँ सही सही। हाँ मजाक से हट के, मजाक से हट के अभी चलेंगे, मैं नानी के घर है, चल मैं वहीं पर गया हुआ था, और छत पर मैं ऊपर था। हाँ 8 पतंग। अरे यार सराय की गाल कर चत यार, 8 पतंग हैं। हाँ एक को बाज रह रहता। हाँ ये क्या गूतना पे, क्या बात है, ये क्या मैं पकड़े बस लूट राज रहे हैं, और एक मैंने मलवेर पकड़ के निकाला। हाँ सराय ने ना ना भाई मलवेर समझ। हाँ समझे ठीक है, बोला हूँ शामी जल सुना बोला वो भी अपना हाले तो 12:30 किसी 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 इस ना नंबर इस ना नंबर मिल पे चलो हूँ ना। हाँ ना बहुत ही क्लास अभी ना हम जा रहे हैं, वहीं पे वो जो पतंग सामने उड़ रहा है ना वहाँ पे वही मेरे हाथ से।
जा रहे हैं वहीं पे फिर उड़ाएंगे हम भी खुद भी। मैं अपना पतंग उड़ाना है। ओ यार ये पानी है यहाँ पर। छत पे आ चुके हैं हम। अच्छा वो पतंग जो खड़ा है, ठीक है ठीक है, ये वाला इसको क्या हुआ? अड़ गया। अच्छा भैया कैसे है? मामू बैठे थे दिलजान भाई के पापा, तो उन्होंने पतंग नहीं उड़ाने दिया, छत पे गए, फिर बस वापस आ गए। अभी फिर घर जा रहे हैं अभी तो, क्योंकि एक बज रहे हैं लोग कांदे कुत्ते सुत्ते पे कांदी आँख निकल दी है। तो ये ना गर्मी की हमारी सलाइकी में अलामत होती है कि मुझे मामू कहता है लोग कांदे कुत्ते सुत्ते पे तुम्हें पतंग उड़ने करो छत पे, तो ये ऐसे होता है थोड़ा। तो फिर हम ना शाम के साथ 4 बजे साढ़े तीन 4 बजे तक फिर हम जाएंगे पतंग उड़ाने, फिर कोई नहीं रुकेगा फिर। ठीक है बस ठीक है फिर गाइस, अभी जो फाइनली है ना 3:30 का टाइम जो है वो हो चुका है, और अभी अपना पतंग उड़ाने का टाइम हो चुका है। अभी हम निकल पड़े हैं घर से, काफ़ी दूर आ चुके हैं और पतंग उड़ भी रहे हैं काफ़ी, तो अब हम लगाएंगे और उसके बाद देखते हैं क्या है। बाकी ये तेरी खैर भाई, अभी दिलजान जो है ना वो पतंग लेने के लिए गया है, मैं इस साइड से चलता हूँ ऊपर, बाकी जगह काफ़ी ख़राब है। चलो शुक्र है यहाँ पे वो जो उस वक्त थी वो तो निकल गई, अब कुछ आसानी होती है बाकी पानी। बाकी मैं अभी छत पे पहुंच चुका हूँ, यहाँ पे एक बैठा है, इसका नाम है जुरैन, ये पतंग उड़ा रहा है, वो इसका पतंग है, वो ये उड़ा रहा है। इसी के साथ हमने पेचा लगाना, पेचा लगाया गया, पेचा लगाओगे बेटा? लैस हैं चल ठीक है, बस उड़ा रहे हैं फिर इसके साथ लगाते हैं। ओके ओके ओके, फाइनली जो है पतंग उड़ाने का टाइम जो है ना वो हो चुका है, पतंग यहाँ पर दिलजान भाई, बाकी वही छत जिस पे उस वक्त आए थे ये हैं, ये इनका पतंग तो पहले से उड़ा हुआ है वो रहा। हाँ ये हाँ दिलजान भाई चल जुड़ना यहाँ पर हम पतंग उड़ाने वाले हैं, ये छत है। चलो ठीक है दिलजान भाई फिर करो पतंग उड़ाओ, अभी जो है ना ये छत पे सही करा दी, उड़ रहा था पतंग वहाँ पे ऊपर है उसके अड़ रहा था, तो इसलिए अभी हम उस वाली छत पे जा रहे हैं। चलो दिलजान भाई यार चलो चलो पहले उधर चलो, बाकी इनका ठीक ठाक उड़ रहा है वहाँ पे, चलें दिलजान भी चलें चलें चलो चलो पहले मुझे जाने दो, हटो पहले मुझे जाने दो, जाने दोगे फिर मैं उधर से पकड़ूंगा फिर घर में बैठा गाइस। ओए यार बाकी अभी छत पे आ चुके हैं, यहाँ पे चेक करो अभी यहाँ पे उड़ाएंगे।
तो इतना सारा पतंग ही सारा पतंग देखो मसे मसे वल्दा पे देखो सारा पतंग उस्ताद साहब आ गए असद डॉन साहब मैं अभी यहाँ पर आराम से चार पाई पर बैठ चुका हूँ क्योंकि मैं थक चुका हूँ। पता नहीं ये कैसा बंदा है, थकता ही नहीं है। अभी ये दूसरा किसी के साथ पीछा लगा रहा है, पता नहीं कैसा बंदा है ये। मैं तो थक गया हूँ यार, पता नहीं ये कैसा शख्स है। ये अब शापरी उड़ा रहे जान भाई, शापरी उड़ा रहे हो अब। ये चेक करो, ये जो इनके कबूतरों की खुराक है इसमें, इसको थोड़ा सा बाहर निकालते हैं इसमें। अरे यार कहना प्राइवेट नुस्खा होने नहीं ना बनाम तकाली बंदे कदे मजाक नहीं अल्लाह दी कसम। अच्छा यार कहना प्राइवेट होने भैया। अच्छा ठीक है, प्राइवेट है भाई, प्राइवेट प्राइवेट। ओके आप छः बज चुके हैं, थोड़ा सा बाहर निकला हूँ। बाकी सारे बच्चे मस्जिद में दिखाते हैं अगर आपको अपनी मस्जिद का यहाँ पर। ओके गाइस आज की वीडियो में बस इतना है, बस अब रात हो चुकी है, घर आ चुके हैं, बस अब सोएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे बस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी आपसे करते हैं।